आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के, है ना। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको पदार्थ, पदार्थों के गुण के बारे में बता दिया था और पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं की बात कर रहे थे। पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में हमने तीन बातें की थी, तीन प्रकार उसे बताए थे कि कितनी भौतिक अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट यहीं पर ख़त्म हो गया था। उनकी भौतिक अवस्थाएँ ठोस, द्रव, गैस की थोड़ा थोड़ा से बात की थी, डिफिनेशन के बारे में हमने चर्चा की थी, बताया था। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में उन भौतिक अवस्थाओं के विशेषताओं की बात करेंगे कि पदार्थ की जो तीनों भौतिक अवस्थाएँ हैं उनकी क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने बताई थी भौतिक अवस्था, वो थी ठोस अवस्था। पदार्थ की जो पहली भौतिक अवस्था हमने बताई थी वो थी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में उसकी क्या क्या गुण है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एक बात और कही थी कि हम इसको कंपेयर करते हुए ले चलेंगे, है ना। कंपेरिजन करके बताएंगे आपको तीनों अवस्थाओं की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले जो ठोस अवस्था आती है, अगर हम उसकी आकृति की बात करें और फिर द्रव और गैस तीनों की आकृतियों की बात करें, है ना, हम कंपेरिजन टाइप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इससे आप सबको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठोस द्रव अवस्था पर हम कर लेते हैं आप गैस, गैस तीनों को एक साथ हम दिखाएंगे देख करके, जिससे कि क्लियर किया है ना, तीनों देख करके आपको समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने आकृति की बात की थी, ठोस द्रव और गैस तीनों की आकृतियों की अगर हम बात करेंगे आकार की, तो ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं, उन पर अंतरार्धिक बल लगता है, है ना। वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो ठोस के कण होते हैं ना, उनकी आकृति की बात करें, सबसे पहले आकृति तो सिंपल है, निश्चित होती है। यहाँ पर कौन सा निश्चित ही लिखी है, निश्चित होती है, है ना। आकृति या आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, ये भी निश्चित होती है, बटिया निश्चित होती है ना। इसकी बात की थी हमने, ये कहा था कि ये अनिश्चित होती है। इसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, और इसकी भी क्या होती है, अनिश्चित होती है, तो इसकी भी अनिश्चित होती है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये दोनों की बात हम करेंगे, अनिश्चित होती है और ये भी अनिश्चित होती है, ऐसे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी आकृति या आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि ये एक लैटिस में बंधे हुए होते हैं और इनके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंतरार्धिक बल कार्य करता है, बहुत ही मजबूत अंतरार्धिक बल कार्य करता है इनके कणों के बीच, जिसकी वजह से इनकी आकृति जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि इसका जो अंतरार्धिक बल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, बट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको बांधे रखता है, है ना। लिक्विड आप गैस की तरह नहीं होता है कि उसके एक एक मॉलिक्यूल कहीं भी होते हुए, है ना। तो ये इसकी आकृति अनिश्चित होती है, बट क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पॉट, जिस पॉट में आप इसे रखते हैं उसका ये फॉर्म ग्रहण कर लेता है, रूप में ये आ जाता है, ठीक है। उसकी निश्चित होती, इसकी अनिश्चित होती है, और इसकी भी अनिश्चित होती है, ठीक है, समझ में आया आपको ये बात, है ना। आकृति के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं आयतन के बारे में। अगर हम आयतन की बात करें, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन जो निश्चित होता है इसका भी निश्चित होता है, क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, पर इसका अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है, है ना। ये जितना स्थान पाए उतना ही घेरती चली जाएगी, है ना, फैलाव इसका होता जाएगा। इसका आयतन अनिश्चित होता है, बट इसका निश्चित होता है और इसका भी निश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस बर्तन में रखा जाएगा उतना ही स्थान, मतलब ये उतना घेरेगा, उससे ज़्यादा नहीं घेरेगा, है ना। जितना है, क्योंकि इसके कण इतने पास पास होते हैं कि दूर होकर के ज़्यादा स्थान को घेर नहीं सकते, है ना। लेकिन गैस की क्या है कि उनके कणों में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो हम बात कर रहे हैं
अंतरार्धिक बल की है ना आकर्षण बल जो लग रहा है वो बिल्कुल नगण्य है। इसकी वजह से उनके उनके कणों पर है ना गैसों के जो अणु होते हैं उस पर कोई जोर नहीं चलता, वो जितना भी चाहे आयतन कह सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आकृति आयतन की, ये जो दोनों बात की। अब हम बात करने वाले हैं संपीड्यता की है ना, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी। सिलेंडर में भरा होता है
ये ऑक्सीजन को क्या किया गया है, कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई किया गया। सोचिए जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है वो गैस है, जब आप प्रेशर को कम करते हैं, जब रेगुलेटर ऑन करते हैं, आप गौर करते होंगे रेगुलेटर ऑन करने पर वो लिक्विड नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, वो गैसियस फॉर्म में आती है, बिकॉज आप उसको प्रेशर को कम करके बाहर निकाल रहे हैं। उसको हाई प्रेशर पर क्या कर दिया गया है, कंप्रेस किया गया है। उसको हाई प्रेशर पर क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो इससे यही पता चलता है कि गैस जो होते हैं इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है ना। बात समझ में आ रही है? अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैस जो होता है, गैस वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है द्रव से, और उससे ज़्यादा ठोस से ज़्यादा होता है। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी या हम कह सकते संपीड़ितता इस बात पर डिपेंड करती है कि अणुओं के बीच जो स्थान है वो कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा अणुओं के बीच गैपिंग होगी, जितना स्थान होगा कंप्रेस करना उतना ही आसान है ना। वो एग्जांपल आपको मैंने कई दे दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल आप जान लीजिए, एलपीजी जो होता है, पेट्रोलियम गैस वो लिक्विफाई की जाती है, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है कि जब अणु पास पास आते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी का जो ऑर्डर है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है घनत्व, डेंसिटी, क्या आता है घनत्व। देखिए घनत्व की बात करते हैं इन तीनों में ही, तो घनत्व किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी उस बात पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा वो है कि पर लीटर वॉल्यूम में है ना कितने कितना द्रव्यमान है, जैसे घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बट हम यहाँ उसकी बात नहीं करने वाले, उससे थोड़ा सा समझाने वाले हैं उसको लेकर के, है ना। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो पर लीटर वॉल्यूम में किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान होता है वो उसका घनत्व कहलाता है। ये तो घनत्व की डेफिनेशन हो गई, पर हम अगर कहें कि किसका घनत्व ज़्यादा है किसका कम है, तो उसको आप इस तरह से समझिएगा कि पर लीटर वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, किसके ठोस के या द्रव के या गैस के, वही आपका घनत्व कहलाता है। अगर आप गौर कीजिएगा, गैस के बहुत कम मॉलिक्यूल एकत्रित होंगे, क्यों? क्योंकि वो तो फ्री होते हैं, वो तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, और क्योंकि अगर आप उनको एक लीटर वॉल्यूम में रखते नहीं है तो जब तक हाई प्रेशर नहीं देंगे इकट्ठा नहीं होंगे, और अगर वो इकट्ठा हो गया तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो लिक्विड हो गया। हाँ बस बन गया ना, तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से उसको आपने लिक्विड बना दिया। लेकिन अगर प्योर गैस की बात करें, एकदम ठाक यहाँ प्योर गैस है, और उस गैस के लिए हम अगर हम बात करें उसका घनत्व क्या होगा, तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो बहुत कम स्थान घेरती है पर लीटर वॉल्यूम में, है ना। उसके बहुत कम मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे पर लीटर वॉल्यूम में। तो इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का, उससे कम घनत्व होता है द्रव का, क्योंकि उसके अणु भी होते हैं पास, इतना पास होते हैं कि एक दूसरे को बाइंड कर सके, पकड़े रखे, अलग ना होने दें, पर इतना पास नहीं होते हैं जितना कि ठोस होता है, ठीक ना। तो अगर हमने कंप्रेसिबिलिटी के ऑर्डर की बात की, तो गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तो अगर हम घनत्व की बात करेंगे ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब पहले बात समझिए, ठोस का घनत्व या किसी भी वस्तु का घनत्व किस बात पर डिपेंड करता है, उसके मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं। घनत्व मतलब घना होना, जितना पास होगा मॉलिक्यूल उतना घना होगा, उतना ही घनत्व होगा। और ठोस के मॉलिक्यूल आप जानते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसके उनका घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो घनत्व ठोस का ज़्यादा, फिर द्रव का, और फिर गैस का। समझ गए? इसी तरह से इसको समझ लीजिए कि जो ठोस का होता है वो क्या होता है, ठोस का वो इससे ज़्यादा होता है, द्रव से ज़्यादा होता है, और गैस से भी। मतलब ये तीनों के लिए मैंने समझा दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों में कितना नहीं देख सकते ना, है ना। आप समझ गए होंगे ठोस का द्रव से ज़्यादा है, गैस से भी ज़्यादा है, ठीक है। और द्रव का किससे ज़्यादा है, देखिए द्रव का गैस से ज़्यादा है, ऐसे समझ लीजिए। द्रव का किससे ज़्यादा है, गैस, और गैस तो सबसे कम होता है, सबसे क्यों बच्चों, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। फिर एक बात आती है फ्लूड की, तरलता की, है ना। फ्लूड, फ्लूड तरलता, है ना, बहाव। तो जो
फ्लूडिटी होती है, फ्लूडिटी क्या होती है, फ्लूडिटी या बहाव जो होता है, तरलता जो होती है, किसमें सबसे ज्यादा होती है? देखिए ये नहीं बहती है ना, ठोस के अणु के पास होते हैं कि वो बहते कहाँ हैं, है ना, कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने के कारण, आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण, इनकी जो त्रिविम चालक संरचना है ना, बहुत पास पास होने के कारण ये नहीं बहते, ठोस जो होते हैं वो बहते नहीं, ठोस बहते नहीं। जबकि द्रव की बात करें तो द्रव का बहने का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, द्रव इसे भी बह जाएगा, अच्छा ऐसे रखा है हमने यहाँ पर द्रव को गिरा, ऐसे बहने लगने लगता नहीं ना, द्रव कैसे बहता है, द्रव को बहने का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा टॉप टू बॉटम, यानी कि द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर बहता है, यहाँ तक समझ में आ गई, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये तो बात हो गई इसकी द्रव की, ठीक ना, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन गैस का क्या केस है बच्चों, गैस जो होता है ना वो चारों तरफ बह सकते हैं, है ना, उसका जो फ्लूइड होता है ना, तरलता होती है, फ्लूइडिटी होती है, वो चारों तरफ बहती है, ठीक ना, गैस इधर उधर हर जगह बह सकती है, ठीक ना, तो आप ले सकते हैं चारों तरफ बह सकती है, अब ठोस में एक और चीज आती है, जो कि दोनों की बात हमने दोनों उस बात को नहीं लेते हैं, वो है रिजिडिटी यानी कठोरता, तो कठोरता तो ठोस में होती है, हाँ इसमें उसमें कठोरता का कोई मतलब नहीं है, है ना, तो हम कठोरता की बात करें तो ठोस क्या होते हैं, कठोर मतलब गुण की बात करते हैं, पर्टिकुलर हम यहाँ पर कंपेरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ ठोस के गुण की बात करेंगे कि बच्चों ठोस क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं, ठोस क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं, क्योंकि क्योंकि वो बहुत कोई रीज़न पूछे तो बहुत ही सिंपल रीज़न है इसका, ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि जो ठोस होते हैं उनके अणु बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो कठोर हो जाते हैं, ये तो एक ठोस की बात, ठोस कठोर के होते हैं। अब तो एक दो तीन चार पांच छह, पांच कह सकते हैं हमने इनका अंदर बताया आपको, तीन चार से पांच बातों में हमने समझाया कि किस तरह से ठोस द्रव या गैस क्या होते हैं, दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और हमने विसरण की भी बात की थी, तो विसरण कल ही हमने आपको बता दिया था, तो एक बात जान लीजिए कि वो भी किसी भी कंपेरिजन किसी भी गुणों में ही आता है, क्योंकि उसमें भी हमने कंपेयर करके बताया था ठोस द्रव गैस के विसरण की दर के बारे में, और विसरण क्या होता है वो ना, वो पहले लेक्चर में आपको पूरी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया था कि विसरण आखिरकार होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का इंटरमिक्शन यानी कि मिश्रण, विसरण कहलाता है, जब वो मिश्रित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, तो ठोस द्रव और गैस इन तीनों का जो है आपका गुण जो है विशेषता, जो तीनों अवस्थाओं की विशेषता आज आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई, और अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर, तापमान का मापन, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं, मापने की जो इकाई होती है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है, तो उस दो कैसे गुणों की बात हमने कर दी, कुछ बचता है इसमें, होगा होगा बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले से लिए नहीं हुआ पढ़ाने हैं नहीं हुआ। चलिए देखिए तापन है ना, ताप का मापन टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा देखिए, जो तापमान मापने के लिए जो इकाई यूज की जाती है, यूनिट यूज की जाती है, वो डिग्री सेल्सियस जनरल है ना, जनरली हम लोग यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, तापमान मापने की जो इकाई हम यूज करते हैं
और जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है केल्विन। और केल्विन के लिए हम डिग्री का यूज नहीं करते, मतलब डिग्री केल्विन नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? केल्विन। क्या लिखते हैं? केल्विन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमको दरअसल कन्वर्जन पढ़ना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि डिग्री सेल्सियस को हम जनरली यूज करते हैं और केल्विन याद रख लीजिएगा वो एसआई यूनिट होती है। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी केल्विन होती है। और जो हमें कन्वर्जन पढ़ना है डिग्री सेल्सियस का केल्विन में, केल्विन में डिग्री सेल्सियस में, वो ये है देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.13 केल्विन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इतने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो लिखना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतने केल्विन होता है। अगर हम इस डेसिमल को हटा दें तब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितने केल्विन होते हैं? 274, मतलब 273 में ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा तो केल्विन बराबर, अगर हम केल्विन बराबर देखें तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस आएगा क्या? अगर हम केल्विन के बराबर देखें, केल्विन के इक्वल्स टू देखें तो फार्मूला यहां से निकल के आता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। एक और बात आता है, अगर हम इसका न्यूमेरिकल देखें, मतलब अगर इसके क्वेश्चन देखें तो क्या होता है आपका, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं, द साइड में लिख देता हूं, केल्विन के बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये आपका फार्मूला है, और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो अगर मैं कहूँ कि -30 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होगा, है ना? 3 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच केल्विन, है ना? कितने केल्विन होगा 3 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच केल्विन? तो आप क्या करेंगे, यहाँ डिग्री सेल्सियस को रख देंगे तो के बराबर क्या आएगा, 273 प्लस 3 के बराबर आ जाएगा 276 क्या केल्विन, 276 केल्विन। या आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि 8 केल्विन में, 8 केल्विन में, ध्यान दीजिए, या 250 केल्विन में हाउ मच डिग्री सेल्सियस, 250 केल्विन इक्वल टू, है ना, हाउ मच डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं हाउ मच डिग्री सेल्सियस, ये बताना है हाउ मच डिग्री सेल्सियस, समझ गए आप? तो आप क्या करेंगे, आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, इस केल्विन टेंपरेचर को यहां रखेंगे 250 केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसको उधर ले जाइए तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो गया 250 केल्विन, यहां पे केल्विन रहता है 250 केल्विन माइनस 273 केल्विन और ये घट जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, मतलब डिग्री सेल्सियस है ना, इसको घटाएंगे तो 250 केल्विन में आया -23 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं किसका, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का, और इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तापमान का कन्वर्जन होता है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, और केल्विन जो होती है आपकी वो एसआई यूनिट होती है, है ना, केल्विन जो होती है आपकी वो एसआई यूनिट होती है तापमान मापने की। हां, इसके बाद हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन, किसकी अवस्था परिवर्तन, पदार्थों की, मतलब कि जैसे पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है क्या ठोस अवस्था का परिवर्तन हो सकता है, है ना, गैस में या द्रव लिक्विड में, मतलब द्रव में या गैस में, है ना, और किस तरह से हो सकता है और इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं। आगे के लेक्चर में आपको पढ़ना है गलनांक, गलन जिसे, गलन और गलनांक दो अलग चीजें होती है,
पढ़ना क्या क्या है, है ना, गलनाम पढ़ना है, हिमाम पढ़ना है ना, हिमीकरण और हिमाम दो चीज़ हो गई, गलन और गलनाम और अलग चीज़ हो गई, इसी तरह से उर्ध्वपातन पढ़ना है ना, और इवेपोरेशन पढ़ना है, इस तरह से कई कंडेंसेशन पढ़ना है, संघनन पढ़ना है, इतनी चीज़ें पढ़नी है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटर कन्वर्जन है स्टेट्स ऑफ द मैटर, मैटर की अवस्था जो होती है, यानी कि पदार्थों की जो अवस्था है उनका जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट करने की ये सारे जो है प्रोसेसेस हैं, है ना, गलन हो गया, हिमीकरण हो गया, उत्पादन हो गया, संघनन हो गया, सारे के सारे क्या है, ये प्रोसेस है ये जो आपको पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं गलन की, पहला प्रोसेस है आपको बताने वाले हैं, फिर धीरे धीरे जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में और आगे लेक्चर में जो है हिमीकरण, पथन, है ना, पथन भी टॉपिक है, और आपको उर्ध्वपातन, संघनन, इस एवोल्यूशन सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारी चीज़ें जो है लेक्चर जो का लेक्चर आपको मिलेगी, है ना। आज हम एक टॉपिक और टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है गलन, क्या नाम है, गलन यानी गलनाम, गलन यानी गलनाम नहीं, गलन और गलनाम दोनों अलग चीज़ है, उसको मैं डिफाइन करता हूँ, देखिए, है ना। गलन इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और मेल्ट यानी क्या, मेल्ट होना है पिघलना। तो आपको धीरे धीरे कुछ बात समझ में आ रही होगी क्या, कि कुछ चीज़ को पिघलाना है, और पिघलती कौन सी चीज़ है, है ना, आप गौर कीजिए, आपने कभी देखा होगा तो पिघलेगा कौन, है ना, आप भी सोच करके कमेंट कीजिए कि सर इसे हम पिघला सकते हैं, ये पिघल सकता है, ये भी पिघल सकता है, ना पिघल सकता है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पिघला सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं, हम इसको पर्टिकुलर नाम देते हैं, सर ठोस को हम क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, कह सकते हैं, इसको गला सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा, तापमान, उच्च तापमान के जो ठोस होते हैं उनको तापमान, हाई टेम्परेचर जो होते हैं, लो टेम्परेचर पर भी होते हैं, तो किसी भी ठोस पदार्थ को ताप देकर, फिर से समझिए, किसी ठोस पदार्थ को ताप दे करके उसकी, है ना, भौतिक अवस्था यानी जो ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में लाना ही गलन कहलाता है, क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। किसी ठोस को ताप दे करके उसकी ठोस भौतिक अवस्था से द्रव में लाना, मतलब ठोस से उसको क्या करना, द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है। और हर सब्सटेंस के लिए ध्यान देना कि किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को गलाने पर, यानी किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को गलन कराने के लिए जो तापमान लगता है उसे ही उसको गलन, उसका गलनांक कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब समझिए गलनांक क्या है, है ना, समझ में आ चुका होगा आपको, नहीं आया मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे कि कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ है ना, उसको, है ना, गलन, उसका जो गलनांक है वो बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि टंगस्टन का 3600 के आसपास आता है डिग्री सेल्सियस, कि इतना डिग्री सेल्सियस जब आप उसको तापमान देंगे तब वो गलेगा, है ना। यही इस प्लास्टिक की बात करें तो क्या इतने तापमान की जरूरत पड़ेगी, नहीं, इसका गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, जबकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। मैं मेरी बात आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, गलन और गलनांक में क्या अंतर है, कि गलन एक गुण है, गलन क्या है, एक गुण है, जबकि गलनांक क्या है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक क्या बोलते हैं, एक नंबर है, गलनांक एक नंबर है और गलन एक गुण है, इन दोनों में यही अंतर है। गलन क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या फिनोमिना है, गुण कह सकते हैं, एक फिनोमिना है, गलन एक क्या है, फिनोमिना है, प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है सर, गलन क्या है, किसी भी ठोस पदार्थ को ताप दे करके उसको द्रव अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, गलन कहलाता है, ये एक फिनोमिना है। जबकि गलनांक क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो जाए, जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए, उस ताप को हम उसका गलनांक कहते हैं। किसका गलनांक, उस पदार्थ का, क्योंकि सभी पदार्थों का गलनांक सेम नहीं हो सकता ना, मतलब कुछ किसी का अलग गलनांक होगा, किसी का अलग होगा, वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स कितना ज़्यादा एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द्वारा, अंतरार्विक, अंतरार्विक बल द्वारा जो है ना, अंतरार्विक बल द्वारा जुड़े हुए हैं, इस बात पर डिपेंड करता है ना। तो आपको गलन और गलनांक में अंतर पता चला होगा कि गलन क्या है और गलनांक क्या है। फिर से समझिएगा कि गलन एक फिनोमिना है ना, एक प्रोसेस है,
गलनांक क्या है, एक नंबर है, एक इकाई दर्शाने की, है ना, समझ पा रहे हैं। तो गलन डेफिनेशन और गलनांक की डेफिनेशन दोनों ही क्लियर हो गई होगी आपको। ना गलन किसे कहते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ को ताप देकर के उसको द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। जिस ताप पर वो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है वो ताप उसका गलनांक कहलाता है, है ना। ये तो रही बात गलन और गलनांक की। जैसे कि हम बर्फ की बात करें तो बर्फ क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, अगर उसको हम लाते हैं हीट एब्जॉर्ब करके तो उसका गलना हो गया, जिस ताप पर वो पिघलेगा उसका गलनांक हो गया। अब तो गलन और गलनांक के बाद आता है क्वथन, या क्वथन और क्वथनांक याद ही लगा सकते हैं, क्वथन और क्वथनांक दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो लिखता हूँ कि आपको गलन और गलनांक की बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो जितने भी अब आगे के फिनोमिना हैं, यानी कि क्वथन हो गया या हिमीकरण हो गया या संघनन हो गया, इन सबको मैंने सोचा कि चलो आज गलन बता दिया जाए, है ना, इससे क्यूरियोसिटी रहे कि सर हाँ आगे के जो क्वथन और ये सारी चीज़ें क्या है और पातन क्या है, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं देने वाला हूँ इसमें भी और बहुत आगे भी चलते, ठीक है ना। तो वो बात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज हमारे आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने आपको पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं की गुणों के बारे में बताया, विशेषताओं के बारे में बताया, आपको टेम्परेचर के बारे में बताया कि इंटरनल वर्तन कैसे होता है 30 डिग्री सेल्सियस का, और उसके बाद हमने गलन और गलनांक की बात की, गलन और गलनांक सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे प्रोसेस शुरू करेंगे क्वथन क्वथनांक और हिमीकरण इन सब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो लाइक ठोकिए, लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका आपकी सफलता हमारा प्रयास है, ठीक है, हमारा प्रयास आपका।